वाला साहब 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले ने, प्रशांत किशोर एक बार फिर सीएम साहब ने जरा स्पैशल रैंक दे के अपने नाल ला लिया, इन्हें किस तरह देखते हो? देखो जो जो इलैक्शन लड़ती हूँ युग मॉडर्नाइज हो गया, सोशल मीडिया का युग आ गया। प्रशांत किशोर कला असी नहीं किया, मोदी साहब ने भी किया, अरविंद केजरीवाल ने भी किया, बिहार की इलैक्शन भी लड़के आया, वैसट बंगाल की भी लड़ रहा। भगवंत मान ने कहा भी इन्हों को सी एम साहब को अपने को तो सरकार चलती नहीं पी, इसलिए बाहरली लोग लैके आ रहे हैं। उन्होंने पूछो अरविंद केजरीवाल किनू लैके गया सी जिहड़ा दिल्ली लड़िया सी, ये अपना भुल जाते हैं, यही प्रॉब्लम है, सच नहीं बोलते। मैं तो फिर कह रहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस करके किया होगा, उन्होंने प्रॉब्लम होगी सरकार चलाने के, नहीं वो गल पा दस पा रहा, सोशल मीडिया का युग है, तो कोई ना कोई कंपनी हायर करनी पैंदी है। एक विक्रमजीत ने कहा भी सरकार ने लोगों के जख्मों से लून छिड़किया, क्योंकि पहले भी प्रशांत किशोर 2017 सीगा तो सरकार ने जिहड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। देखो विक्रमजीत तो गल करन दा हक नहीं हैगा, उहदा सताया पंजाब ते अजे तक भुगत रहा है। जिस बंदे नूं अपने दे एडे भारे इल्जाम लगे हुण ड्रग्स दे इन्ने बड़े इल्जाम, वह क्यों इह जिहियां गल्लां करदा है? D4 यू देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जौड़ा फाटक में, जहां पर ये देखिए सब करीब करीब देश की आज़ादी के 75 साल बाद यहां पर अंडरपास बनने जा रहा है। ये देखिए यहां पर ये दो जौड़ा फाटक इसलिए कहा जाता है, ये यहां पर दो फाटक हैं, दो रेलवे क्रॉसिंग हैं, यहाँ पर अक्सर जाम लगा रहता है। इलाका निवासियों का ये आरोप था कि यहाँ पर उन्हें दिन में करीब करीब 40 से 50 बार फाटक बंद होता है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाले लाखों लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। पंजाब सरकार की ओर से यहां पर अंडरपास बनाए जाने की योजना है, जिसका उद्घाटन आज सांसद गुरजीत सिंह औजला और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बसी की ओर से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये जब ये अंडरपास बन जाएगा तब लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखना ये है कि क्या सरकार विधानसभा चुनावों के चलते यहाँ एक वर्ष में ये अंडरपास बनाने का ये काम शुरू कदम कर पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं सांसद गुरजीत सिंह औजला और दिनेश बसी। ये देखिए यहाँ पर कार्यक्रम भी चल रहा है, यहाँ पर जंगम शिवरात्रि को लेकर एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये इलाका विधानसभा ईस्ट हल्के में आता है, जहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू जो विधायक हैं वो सरकार से नाराज होकर शांत बैठे हुए हैं। करीब करीब 1.5 साल पहले जब उनसे मंत्री पद दिया गया था लोकल बॉडीज का, तब से वह सार्वजनिक तौर पर कम ही शामिल हो रहे हैं, कई बार लोगों से मिले तो, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में तब कम ही दिखे। आज भी शायद उनके आने की उम्मीद कम ही है, लेकिन उनके कई समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम बात करेंगे नेताओं के साथ। ये देखिए कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तमाम नेतागण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, यहाँ तक कि आयोजकों की ओर से भी मास्क नहीं पहना हुआ है, लोग जुड़कर बैठे हुए हैं। वैसे तो पंजाब सरकार ये कह रही है कि कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और दोबारा जिला डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दे दिए गए हैं, वह सख्त कदम उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं केवल कुछ लोगों को छोड़कर किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। अब ऐसे में कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, क्या सरकार इन पर जुर्माना, क्या पुलिस अधिकारी इन पर जुर्माना लगाएगी जो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सांसद गुरजीत सिंह औजला और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बसी पहुंच चुके हैं और स्टेज पर बहुत भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं की ओर से तो मास्क पहना गया है, बाकी उनके पास जो भी उन्होंने बार बार इनकी ओर से कहा जा रहा है कि लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें। विधानसभा चुनावों को मात्र 1 साल भी नहीं बचा है, आज जौड़ा फाटक में उद्घाटन करने के लिए हैं सांसद गुरजीत सिंह औजला, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये अंडरपास बनाया जा रहा है, इतने सालों बाद क्यों सरकार को याद आई है? औजला साहब बड़ी देर बाद सरकार को याद आई है बनाने भी अंडरपास। तुसी गलत गल है, बड़ी देर बाद नहीं, तुसी ना पहलों तो मेरे पहलों पार्लीमेंट देख लो कदों का मैं बोल रहा, पिछले बजट के भी ये वास्ते बोलिया था, 3 साल मैंने चुने हुए हैं और बार बार बोले और बार बार चिट्ठी पत्र साडा चलता रहा, टाइम लगता इन्हां चीज़ों सारे देश के दे उन्हों का ध्यान खिंच के एक पास वास्ते लेना होंदा। सो अंडरपास पास होया, पहले दिक्कत आती फंड दी, वो फंड जिहड़े ने इन्हां ने दिनेश बसी हुणां ने प्रूवमेंट ट्रस्ट तों दित्ते आ, धन्नवाद है मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, ब्रह्मेंद्रा जी का, जिन्होंने ये फंड जिहड़े आ ये सानू एलोकेट किए ने कि तुसीं ये फंड इहदे वास्ते यूज़ कर सकते जे, और हुण बनाउणा रेलवे ने आ क्योंकि ये रेलवे दे अंडर काम होना है, 6 महीनों के कंप्लीट होएगा, 2 लाख के करीब बाधी 8-9 कौंसलर ने जिन्हां
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਸੀ ਇਹ ਫੋੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨਗੇ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬੰਦ ਦੀ ਨਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ 85 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕਬਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਭਿੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਅਤੇ ਅਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ 2022 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1x1 ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਔਰ ਮੁਲਾਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 2017 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਏਡੇ ਭਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਗਾਵੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਾੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਖਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ
2022 च आना तो सामने सारिया गलत सामने रखा तुम फैसला करो। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सांसद गुरजीत सिंह औजला, इनका कहना है कि जौड़ा फाटक में काफ़ी लंबे से लोगों की मांग थी कि यहाँ पर अंडरपाथ बनाया जाए, फ्लाईओवर यहाँ बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाने की जगह नहीं थी इसलिए अंडरपाथ बनाया जा रहा है। इनका यह दावा है कि अमृतसर में जितने भी फाटक पड़ते हैं वहाँ पर या तो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे या तो फिर अंडरपाथ बनाए जाएंगे ताकि लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। हमारे साथ हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बसी, उनसे भी बात करनी है क्योंकि ये जो पैसा लग रहा है सारा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से खर्च किया जा रहा है। हमारे साथ हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बसी। बसी जी, जो तुम अज उद्घाटन किया कि चेर से मुकम्मल हो जाएगा अंडरपाथ? देखो, ये रेलवे ने टेंडर लगाया, पेमेंट अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने की है और ये 25,44,00,000 रुपए की लागत ना। असं धन्यवाद करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी का, साढ़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जिन्होंने अजय का उद्घाटन किया औजला साहब, और साढ़े इस इलाके के MLA सिद्धू साहब का, और लगभग उन्होंने 6 महीने का टाइम लिता, 6 महीनों के बीच असी इन पूरा करके देवे। और ये लोगों को बहुत व्डा कैप्टन सरकार का एक तोहफा है क्योंकि इस इलाके बहुत वड्डी लोड़ सी। 35-35 साल तो लोग रिट्टा पा रहे थे कि इतने अंडरपास की या पुल की लोड़ है तो अज वो पूरा कर जा रहे। अज नवजोत सिंह सिद्धू इस इलाके के MLA ने, वो नहीं है? देखो, वो सैशन चल रहा है, रेलवे ने इन्हों बनाना सी, रेलवे ने अब शुरू करना सी, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने सारे कौंसलर साहबान इतने आए ने और असी कांग्रेस पार्टी सारे एकजुट हाँ, ऐसी कोई गल नहीं। सिद्धू साहब ने भी मेहनत के सदके ही काम शुरू होया। इस तरह चर्चा भी ईस्ट विधानसभा हल्के जो बसी साहब तुम भी चुनाव लड़ना चाहते हो? कोई नहीं जी, वो सिटिंग MLA है, वो साढ़े बहुत सीनियर लीडरशिप है, मैं पार्टी ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी दिती है और सिद्धू साहब इतों के सिटिंग MLA और बहुत वड्डे साडे नेता ने और उही काम करेंगे। अज जिवें 34 बंदियां नू जिहड़े 2018 च रेल हादसा हुंदा है, कुछ लोग मर जाते हैं, 34 बंदियां नू नौकरी देने की गल की गई है, मरे तो 57 बंदे सीगे। नहीं, 34 परिवारां नू दिती है, 34 बंदियां नू नहीं दिती, किसी परिवार च 3-3 सी, किसी से 4 सी, 37 फाइलां गईयां सी, 34 कोई 3 किसी कारण होईयां सी उहदा वी पता करांगे, 34 परिवारां नू दित्तियां गईयां, ना कि 34 परिवार चों 1-1 देवांगे ते सारे परिवारां नू दित्तियां गईयां। दिनेश जी, एक तुहाडे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों होर भी पुल बनाए जा रहे हैं जिहड़े काफ़ी लटक गए हैं, 22 नंबर फटक का पुल है तो सर्विस रोड नहीं बन रही, इतने लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। असी हुणे मैं ते MP साहब उसी बारे गल करते आ रहे सी और असी जल्दी ही अप्रैल दे विच तुहानू भंडारी पुल शुरू हो जा रहा, और असी 1-2 दिन के असी विजिट कर रहे पुलों पर और जेड़े जेड़े कोई कमी पेशी होगी उन्होंने जल्दी तो जल्दी कराने की। रिगो ब्रिज भी बनाने की कोई प्लानिंग चल रही है? इंप्रूवमेंट ब्रिज जोड़ा है वो स्मार्ट सिटी के अंडर शायद वो तैयारी हो रही है और वो बारे भी मीटिंग चल रही हैं। तो होर तुम कुछ कहना चाहो? मैं धन्यवाद करदा सारी अपनी हाईकमान पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी का, और साढ़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट औजला साहब का, और साढ़े इस इलाके के MLA साहब और सारे कौंसलर साहबाना जिन्होंने हमेशा इस गल नूं हाईकमान तक पहुँचाया, और मैं कैप्टन साहब का धन्यवाद जिन्होंने मैनू इस जिम्मेवारी लाई, और मैं ये जिहड़ा अंडरपास बन रहा रेल हादसा पीड़ितों नूं असीं समर्पित करते हैं कि असी अज एक इस इलाके नूं बहुत वड्डा तोहफा देन जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अमृतसर की जिला प्रधान जितेंद्र कौर सोनिया, ये भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं जहाँ पर उद्घाटन हुआ जौड़ा फाटक अंडरपाथ का। सोनिया जी, आज क्या कहना थोड़ा इस बारे? अज सब तो पहला तो मैं जौड़ा फाटक हादसे के शहीदों नमन करती हाँ, उन्होंने परिवारों नमन करती हाँ। अज साडे अमृतसर के MP श्री गुरजीत औजला जी और साडे अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन श्री दिनेश बसी जी ने जिहड़ी कि इस इलाका निवासियों की और शहर वासियों की बहुत वड्डी मंग सी। ये जिहड़ा फाटक है तुसी देख रहे हो, इत्थों रोजाना हज़ारां की तादाद दे विच लोग अपने दैनिक कम्मां वास्ते, अपने नौकरियां ते जाण वास्ते इत्थों लंघते हैं, लेकिन इस फाटक के उत्ते इन्ना लंबा जाम लग्या रहिंदा, लोगों को बहुत वड्डी समस्या पेश आउंदी सी। सो साडे अमृतसर के MP गुरजीत औजला जी ने इस नूं सेंटर दे विचों पास करा के, दिनेश बसी जी ने पंजाब सरकार कोलों, साडे सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साडे लोकल बॉडी मंत्री श्री ब्रह्म महिंद्रा जी नूं बेनती करके ये बहुत वड्डा उपराला किया और 25,43,00,000 रुपया जिहड़ा वो इस रेलवे अंडरपास के उत्ते लगना है, और अज इस काम की शुरुआत असी सारिया ने मिलकर सारे इलाका निवासियों नूं नाल लैके कीती है, जिहदे करके मैं अपने सूबे दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का,
लोकल बॉडी मंत्री ब्रह्म महिंद्रा जी का, खास तौर पर एम पी श्री गुरजीत औजला जी और अपने वीर दिनेश वसी जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत वधिया उपराला किया क्योंकि लीडर बहुत आते हैं। लेकिन सुने जी एक देखने आया कि महिलावान पार्षद बन के आ तो जानी हैं पर कम उन्होंने जेडे हसबेंड करते हैं या उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्य करते हैं, तुम्हें लगता कि लेडीज़ को आज भी रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसी कोई गल नहीं, तुम देख रहे हो साढ़े 50% जोड़ा रिजर्वेशन साढ़े मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दिता से और साड़िया जड़िया 50% महिलावान अज नगर निगम हाउस के बैठद और अपनी आवाज़ रख रही ने। तुम देखिए ही हाउस के महिलावान रोज़ अपनी गल रख दें कि पहले नालों बहुत फर्क है, लेडीज़ जड़िया वो अगे होकर आई हैं कम कर दी। ये देखिए ये थी जितेंद्र कौर सोनियन का कहना है कि ये पुल लोगों को समर्पित किया गया है, रोजाना हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, जिन्हें फाटक बंद होता था तो मुश्किल आती थी, लोगों की समस्या को देखते हुए इसका शीघ्र ही निवारण किया जाएगा। अमृतसर से D4 News के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।